ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम सीखेंगे सेकंड एडजस्टमेंट रिगार्डिंग कैपिटल। जैसे कैपिटल में मैंने बताया था दो तरह की एडजस्टमेंट्स हैं। एक ये है कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेके आ गया और ओल्ड पार्टनर्स अपनी कैपिटल को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देंगे। सो यहां पर एडजस्टमेंट कौन कर रहा है? ओल्ड पार्टनर। वो ये देख रहे हैं कि नया अगर इतनी कैपिटल लेके आया है तो प्रोपोर्शनेटली हमारी कैपिटल कितनी बननी चाहिए। दूसरा इसका अल्टरनेटिव क्या है कैपिटल एडजस्टमेंट का, वो बिल्कुल रिवर्स केस है। अब इस केस में क्या होगा, ओल्ड पार्टनर एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स की अपनी कैपिटल बिजनेस में है, सो वो अपनी कैपिटल को टोटल करेंगे कि जब ये नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो हमारी कैपिटल कितनी बनती है, और उसके अकॉर्डिंगली वो नए पार्टनर को बोलेंगे कि तुम अपनी कैपिटल ले आओ। सो इस केस में क्या है, न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स। सो यहां पर काम किसके बेसिस पर होगा, हमें वर्किंग करनी पड़ेगी न्यू पार्टनर के लिए, किसके बेसिस पर, ओल्ड पार्टनर के। सो इसके स्टेप्स क्या है कि अगर न्यू पार्टनर को कैपिटल लेके आनी है अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स, तो सबसे पहले हमारे पास ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होनी चाहिए। दैट मीन्स हमारा पहला स्टेप होगा कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। मतलब जितनी एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे आपको कैपिटल को छोड़ के इससे पहले चार एडजस्टमेंट और होती हैं। न्यू पार्टनर गुडविल लेके आते हैं जो पार्टनर्स में बांटी जाती है, यू हैव रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, रेशो में चेंजेस हो जाते हैं, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो वो सारे चेंजेस कर लो, मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आप कैलकुलेट करो कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है। अब कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट्स। अब आपको कैलकुलेट करना है कि ओल्ड प्रॉफिट्स, ओल्ड पार्टनर्स जो है उनको कितना शेयर मिल रहा है न्यू फर्म में। न्यू फर्म मतलब जब फर्म में नए पार्टनर का एडमिशन हो गया तो उनका कितना शेयर है। सो ये क्या होगा, वन माइनस न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। मतलब अगर आप नए पार्टनर को वन फोर्थ शेयर के लिए बिजनेस में लेके आ रहे हो, पहले ए और बी पार्टनर थे उनकी कोई भी रेशियो हो, बट जब सी एज अ न्यू पार्टनर आपने एडमिट किया तो उसको वन फोर्थ शेयर दिया, दैट मीन्स वन फोर्थ को छोड़ के बाकी का जो बैलेंस है वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा। सो ओल्ड पार्टनर्स को कितना हिस्सा मिलेगा फर्म में, टोटल वन जो प्रॉफिट है उसमें से वन फोर्थ शेयर अगर हम दे दें तो थ्री फोर्थ बचता है। दैट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है जो हमने कैलकुलेट की है वो थ्री फोर्थ शेयर के लिए है। सो इनका शेयर कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे फर्म्स कैपिटल बेस्ड ऑन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल्स, कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पर फर्म की कैपिटल कितनी बनी, क्योंकि अल्टीमेटली न्यू पार्टनर को तो फर्म में शेयर लेके आना है ना। सो उसकी कैपिटल कितनी बनेगी, ये होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अपॉन ओल्ड पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट्स। सो इनकी कैपिटल ले लो एडजस्टमेंट के बाद और कितना उनको शेयर मिल रहा है, जैसे यहां पर उसको थ्री फोर्थ शेयर मिल रहा है, सो थ्री फोर्थ शेयर के लिए उनकी कैपिटल कितनी बन रही है, तो ये हो जाएगी फर्म की कैपिटल। ठीक है, ये वर्किंग हो गई। सो अब न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी आ जाएगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल विल बी फर्म्स कैपिटल, कि फर्म की कैपिटल कितनी है, इनटू न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट्स। सो उसका शेयर निकाल लेंगे, इससे क्या हो जाएगा कि अब हमारे पास न्यू पार्टनर की कैपिटल आ गई। सो अब आप न्यू पार्टनर की कैपिटल को रिकॉर्ड कर सकते हो। सो यहां हमें क्या करना है, जब हम जर्नल एंट्रीज करें, ये तो वर्किंग हो गई ना, बट जर्नल एंट्रीज करते हुए आप क्या करोगे, पास ऑल एंट्रीज, अब सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि ये तो एंड में होगा ना। आप न्यू पार्टनर की कैपिटल की एंट्री तो पहले कर देते थे, लेकिन यहां पर उसकी कैपिटल की कैलकुलेशन तो बाद में होनी है, तो आप क्या करोगे, सारी एंट्रीज कर दो और इसमें क्या करना है, लीव अमाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सो न्यू पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट छोड़ दो, बाकी सारी एंट्रीज कर दो, या आप इसकी एंट्री ही छोड़ दो। देन रिकॉर्ड हिज कैपिटल, अब उसकी कैपिटल रिकॉर्ड करोगे आफ्टर कैलकुलेशन, तो एंड में जाके जब कैलकुलेशंस हो जाएंगी
तब आप उसकी कैपिटल को रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो कि एंट्री ही छोड़ दो, कैपिटल की एंट्री छोड़ दो और उसको बाद में रिकॉर्ड कर लो। अब मान लो आपको दे रखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन लॉसेस इन रेशियो 3:2, ठीक है। नाउ दे एडमिट सी, सी ब्रिंग्स इन से कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा एंड गुडविल ऑफ से 15,000। गुडविल भी लेके आ रहे हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी ला रहे हैं। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल नहीं बता रखे, इसका मतलब अब इस मेथड से सॉल्व होगी, सेकंड मेथड से। इसके अलावा हमें बता रखा है सीज शेयर इन प्रॉफिट्स, उसको कितना शेयर दे रहे हो आप, 1/4 शेयर दे रहे हो, वो 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में पार्टनर बन रहे हैं। अब इसके अलावा कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, मान लो ए एंड बीज कैपिटल बैलेंसेस वर 60,000 and 50,000, ठीक है। इसके अलावा है मान लो फर्म हैड जनरल रिजर्व 10,000 एंड देयर वाज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ से 20,000। तो अब पार्टनर्स की कैपिटल कैसे निकलेगी? एक तो तरीका है आप पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बना लो, मतलब मैं यही बताऊंगी, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हर चीज की वर्किंग करेंगे तो हमारे पेपर में टाइम बहुत लगता है। तो आप कैपिटल अकाउंट ही बना लो। अब कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हो, सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हो, तो उनके बैलेंसेस हो गए 60,000 50,000, ठीक है ना। अच्छा, ये रिकॉर्ड हो गया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल आया, ये पार्टनर्स में बटेगा, सो प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000। तो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर कुछ नहीं दे रखा तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, सो 15,000 को 3:2 में बांट दिया, ठीक है ना। सो आपने 15,000 को जब बांटा 9,000 6,000। इसके अलावा आपके पास जनरल रिजर्व भी है, सो जनरल रिजर्व 10,000 का अगेन उनकी ओल्ड रेशियो में बटेगा, ये दोनों पार्टनर्स को बिलोंग करते हैं। उसके बाद है आपके पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 को बांट दिया 12,000 8,000। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स कर दी। अब मान लो हमारे पास इनका ड्रॉइंग का बैलेंस होता तो वो यहां डेबिट हो जाता, या रिवैल्यूएशन का लॉस होता वो डेबिट में कर देते, या लॉस इन बिजनेस होता, तो जो भी लिखा है ना वो पार्टनर्स में डाल दो। सो पार्टनर्स कैपिटल्स आफ्टर एडजस्टमेंट कितनी आई? अब ए की कैपिटल अगर हम चेक करें तो यहां पर इसका टोटल है 87,000, क्योंकि डेबिट में कुछ नहीं है, इसका मतलब ए का बैलेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ कैपिटल को छोड़ा है, बाकी तो सारी एडजस्टमेंट कर चुके हैं। जो न्यू पार्टनर ने कैपिटल लेके आनी है उसकी एंट्री अभी हमें यहां करनी है, बाकी तो सब हम रिकॉर्ड कर चुके हैं ना। सो हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा, ए का बैलेंस आ जाएगा 87,000, क्योंकि यहां कुछ नहीं है। बी का बैलेंस करते हैं 68,000, ठीक है ना। तो कितनी कैपिटल आ गई, ए की 87,000, बी की 68,000। सो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, दोनों की कैपिटल कितनी हो गई, टोटल कर दो 1,55,000, ठीक है। अब ए और बी का शेयर कितने, देयर शेयर इन फर्म, ये थोड़ा सा हम इसको यहां करते हैं। सो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी इन न्यू फर्म, तो न्यू फर्म में इनकी कैपिटल कितनी आ गई, 1,55,000। और शेयर ऑफ ए एंड बी, क्योंकि हमारे जो भी वैल्यूज होती है ना वो कॉरेस्पॉन्ड करनी चाहिए, अगर न्यू फर्म में कैपिटल ले रहे हैं तो उनका शेयर भी तो न्यू फर्म में लेना है ना। तो अब न्यू फर्म में इनका कितना शेयर है, आपने इस पार्टनर को एडमिशन दिया है 1/4 शेयर के लिए, तो अगर 1/4 शेयर के लिए उसका एडमिशन हुआ है तो न्यू फॉर्म में इन एबीसी का शेयर, एबी का शेयर कितना बचेगा, 1 - 1/4, दैट इज 3/4। सो कैपिटल ऑफ फर्म बेस्ड ऑन ए एंड बी, ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पर कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हो गई, इतनी कैपिटल 1,55,000 अगर 3/4 शेयर के लिए है,
तो फर्म की कैपिटल हो जाएगी ठीक है ना 2,06,667। तो अब इसमें सी का शेयर ऑफ कैपिटल कितना होगा, सी को बिजनेस में 2,06,667 ओके, तो सी को बिजनेस में हमने 1/4 शेयर दिए तो कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो इसको, तो सी जो कैपिटल लेकर आएगा जो हमने यहां पर बैंक अकाउंट से लिखा तो उसकी कैपिटल हो जाएगी 51,667 ठीक है। तो ऐसे हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते हैं न्यू पार्टनर की। सो आपके पास देखो टोटल करके भी देख सकते हो आपकी कैपिटल हो जाएगी जो आपकी एडजस्टेड कैपिटल आई है, अगर इस कैपिटल का टोटल करोगे तो फर्म की जो कैपिटल हमने कैलकुलेट की है यही आ जाएगी, ये वेरीफाई कर सकते हैं ओके। सो हमने क्या किया, न्यू पार्टनर अगर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है तो आपको पहले क्या करना है, पहले ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है क्योंकि उसकी कैपिटल किसके बेसिस पर है, न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है किसके बेसिस पर, ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पर। सो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करो क्योंकि अब फर्म नई है तो नई चीजें चलेंगी, पुरानी कैपिटल मत लो आप, उनकी नई कैपिटल देखो। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट, कि अब जब फर्म बनी आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर एडमिशन तो फर्म में उनकी कैपिटल कितनी है उसमें एडजस्ट करो, न्यू फर्म में पार्टनर्स का शेयर कितना है। सो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का शेयर क्या होगा, 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर, जितना नए को दे रहे हो वो सारा बाकी का जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा। सो उसका शेयर भी आ गया, जैसे यहां पर हमने क्या किया उनकी एडजस्टेड कैपिटल हमने सॉल्व कर ली ठीक है ना, इनका शेयर ले लिया 3/4। सो अब हमारी इक्वेशन क्या बनी, हमने फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया लेकिन लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर 3/4 शेयर के लिए कैपिटल इतनी है, ये 3/4 शेयर के लिए है तो टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अगर आप ये कहो कि 3/4 शेयर के लिए कैपिटल 1,55,000 है तो फुल कैपिटल कितनी हुई, इसे एक्स मान लो, मतलब फुल कैपिटल का 3/4 अगर 1,55,000 है तो एक्स कितना होगा, 1,55,000 × 4/3। तो यही हमारी फॉर्मूला है, इसी चीज को हमने फॉर्मूले में लर्न कर लिया कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल इन न्यू फर्म एंड ओल्ड पार्टनर्स शेयर इन न्यू फर्म। सो न्यू फर्म में उनकी कैपिटल और शेयर के बेसिस पे कैपिटल आ गई। सो अगर ये टोटल कैपिटल है तो न्यू पार्टनर कितनी लाएगा, अपना शेयर, उसका शेयर अगर 1/4 है तो वो 1/4 लेके आएगा है ना। अब उसको रिकॉर्ड कर देंगे और रिकॉर्ड करके हम अकाउंट्स क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने कैलकुलेशन के लिए अलग से कोई स्टेटमेंट नहीं बनाई ठीक है। आपने कैपिटल अकाउंट बनाया उसी में ही एडजस्टमेंट कर ली, सो आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस अलग से हमें ये कैपिटल्स लिखनी है, इसके बाद हम वर्किंग नोट बनाएंगे अलग से इसे करेंगे। कुछ बुक्स में आप ये देख रहे होंगे कि हम ये जो चीज है, ये जो हमने कैपिटल कैलकुलेट की है थ्रू कैपिटल अकाउंट, ये जो कैपिटल अकाउंट बना के हमने जो कैपिटल कैलकुलेट की है ये हम सीधे यहां एडजस्टमेंट से भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, एक टेबल बना सकते हो, टेबल शोइंग एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट कर लो। सो ओल्ड पार्टनर्स, अब आप लिखो कैपिटल इन बिगनिंग, मतलब जो शुरू में उनकी कैपिटल थी 60,000, 50,000। नाउ एडजस्टेड कैपिटल का मतलब सारी एडजस्टमेंट्स कर दो, तो आपको एडजस्टमेंट्स क्या करनी होती है, ऐड कर दो सारे प्रॉफिट्स। सो ऐड जनरल रिजर्व, प्रॉफिट्स जो भी हमें दे रखे हैं वो कर दो, ऐड कर दो रिवेल्यूएशन प्रॉफिट, रिवेल्यूएशन पर अगर प्रॉफिट हुआ है वो भी ऐड कर दो, ऐड कर दो आप प्रीमियम फॉर गुडविल क्योंकि ये भी इनको मिल जाएगा ठीक है, ये ऐड कर दो। डिडक्ट क्या करते हैं, अगर कोई लॉसेज है, अगर आपके पास कोई लॉसेज हैं या आपके पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस हमें दे रखा है बुक्स में, वो लॉस माइनस कर देते हैं, एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। अगर हमें कोई ड्राइंग्स दे रखी हैं वो माइनस कर देते हैं। अगर हमारे पास रिवेल्यूएशन का लॉस हो गया वो माइनस कर देते हैं। अब ड्राइंग वो कोई भी हो सकती है अपनी, वो
ड्राइंग बुक्स में भी दी हो सकती हैं, हो सकता है ये जो प्रीमियम मिला है ना इसी को ड्रॉ करके ले गए, कुछ भी हो, तो अगर उनकी कैपिटल में कोई कमी हो रही है तो वो माइनस कर दो, कुछ कैपिटल में आ रहे हैं तो वो प्लस कर दो, तो सारे प्रॉफिट, सारी इनकमिंग्स प्लस सारे लॉसेस और सारी आउटगोइंग्स, ड्रॉइंग्स माइनस, ये आ जाएगी कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट। अब इसका टोटल करो और फिर से यही हमारा इक्वेशन है। बट हम ये काम क्यों करें, माय पॉइंट इज कि ये काम हम अलग से स्टेटमेंट में क्यों करें, क्योंकि हम तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, ये तो हमें बनाना है, सो इसी में इसको एडजस्ट कर दो ना, तो कैपिटल अकाउंट बनाओ, नए पार्टनर के कैपिटल की जगह छोड़ दो, क्योंकि एंट्री तो करनी पड़ेगी, उसकी जगह मैंने छोड़ दी, एक लाइन छोड़ दी, अब मैंने कैपिटल कैलकुलेट कर ली, कैपिटल बैलेंस, क्योंकि यहां पर एडजस्टमेंट सिर्फ न्यू पार्टनर के लिए हो रही है, सो ओल्ड पार्टनर्स में कोई एडजस्टमेंट और होनी नहीं, तो उनकी कैपिटल में चेंज नहीं आना, सो उनकी कैपिटल एज इट इज बैलेंस कर दो। अब ये बैलेंस हमें मिल गया तो अब इस बैलेंस को यूज करके हम कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो इस तरह से हम न्यू पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते हैं। सो यू कैन प्रैक्टिस अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस, और नेक्स्ट टाइम हम एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करेंगे विद दिस एडजस्टमेंट, जिसमें ये वाली एडजस्टमेंट होगी। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग, थैंक यू।